कुंडू किनारा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आप सबने पता है इसार के पास एक गांव है तलमंडी राणा, जिसके अंदर भाई साहब इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है कि इंटरनेशनल जहाज उतरे बड़े बड़े कम तक कम भी 400 फुट लंबे। और मनोज राठी के को अपना है पार्टी के, राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, एक जिक्रा सुनिया हो रहा है तलमंडी में 400 फुट के लंबे जहाज उतरे है। आड़े कौन उतरे, चिड़िया भी आई बात समझ में। एक 4 सीटर छोटा जहाज चला था, उस पर तो सवारी नहीं पाई, तो लंबड़ी जहाजा में 500 आदमी बैठे कट लिया खट्टर साहब। मैं तो बार बार पूछ सुनते हैं, अरे हमने नू तो बता दो जहाज में सवारी जो बिठाओगे वो कहाँ से आएंगे, एक बार क्लियर तो कर दो। लेकिन एक नंबर के झूठे आदमी है, बस एक ही बात कहें जहाज उतरेंगी जहाज उतरेंगी जहाज उतरेंगी, ये पता नहीं हमने किसी जहाज उतरेंगी। ईमानदारी की बात यह है, आड़ा नहीं उतरे छिपकली भी, नोट कर लियो मेरी बात दुष्यंत। और ये खट्टर सरकार झूठी सरकार है, इन लोगों ने माल लुटने से मतलब है, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। इन लोगों ने आज जमीन खरीद ली, उसने अपनी बेच ली कि बाकी रहे उसने और बेच देंगे और अपना फारिग हो जाएंगे। सरकार के 1000 करोड़ रुपये इन लोगों ने नष्ट कर दिए। यहाँ कुछ दिन पहला तलमंडी राणा इस धरना पर जोगीराम सिहाग आए थे, भैया डिप्टी सीएम मेरी बात नहीं मानता, जब एक सीएम विधायक की बात नहीं मानता तो जनता की बात कैसे सुनेगी। देख लो कितनी बड़ी बात है, एक विधायक की बात नहीं मानना तो दो बातें हैं, या तो जो मिल रहा है उसकी गल है भाई, वो भी हिस्सा ले रहा है कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, वो कहता मैं मना लूंगा पटा लूंगा मेरा हल्का है 100 बातें हैं, या फिर वो कमजोर बहुत ज्यादा है और कमजोर विधायक नहीं हुआ अगर बनाने का। जो यार एक सीएम उसका फोन कौन उठा, अपना इस्तीफा दे दे, उसकी पार्टी का डिप्टी सीएम है उसका फोन कौन उठा, इस्तीफा लिख दे ले भाई, फिर वो मुख्यमंत्री वो विधायक किस बात का है, जब उसका डिप्टी सीएम फोन कौन उठावे तो फिर उसको वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए और मैं मानू विधायिका भी छोड़ देनी चाहिए, फिर वो काबिल नहीं जनता की सेवा करने की, फोन उठावा नहीं डूडा पाटना चाहिए। आप फोन की बात करो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मैं तो आपने एक बात जरूर कहना चाहूँगा, देखो बच्चे ही भी यहाँ उतरेंगे। बिल्कुल देश को भाई, ये बच्चे उतर गाँव है, पहले 16 किलोमीटर आओ, बाद में 4 किलोमीटर वापस जाओगे गांव में। देखो यहाँ से जो बस है वो वापस तो जाओगे नहीं, वो बस तो सीधी चली गई, बच्चों को यहाँ उतार दिया, तो ये बच्चे भी परेशान हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सरकारी जमीन में कण की रोड मांगे हैं और इस सरकार ने कहा है कि फॉरेस्ट विभाग हमने परमिशन कौन दे रोड खातर, जबकि उनको एयरपोर्ट बनाने की परमिशन तो मिली नहीं, वो तो बिना परमिशन बिना एयरपोर्ट बना दिया और अभी कहें फॉरेस्ट विभाग परमिशन कौन दे। उड्डयन मंत्री ने साफ कहा है कि हमने नहीं पता भाई सार में के बनाए के नहीं बनाए, हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट बनने लग रहा है। अब दुष्यंत चौटाला और जो हैं वो जवाब नहीं है उनके पास, उनके पास जवाब नहीं है कि आप बिना परमिशन में ना बनाओ कैसे हो आप लोग। जब उनके पास परमिशन नहीं तो ये सैकड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, इसका जिम्मेवार कौन होगा फिर? जिम्मेवार तो सरकार है, जिम्मेवार तो दुष्यंत और अपना माल खान खातर है, खट्टर साहब ने अपने चहेतों को माला माल खान खातर ये सारा खेल खेल है, कमल गुप्ता जी जिम्मेवार है, जोगीराम सिहाग जी जिम्मेवार हैं, रणबीर गंगवा जी जिम्मेवार, ये सारे के सारे जो चुप बैठे ना गुंगा गुड़खाया, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी खरीद रखे हैं, ये माल कमाने वाले आदमी पैसा कमाने वाले आदमी हैं, इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, ये तो गिरोह है, ठगों का गिरोह है, ठगों का गिरोह सारे के सारे ये डकैत हैं, डकैती मारते घर चले जाते हैं, ये कोई नेता नहीं है न विधायक है न मंत्री है, ये तो डाकू हैं डाकू। मैं साफ कहना चाहूँगा इन लोगों ने प्रदेश को और देश को लूटा है, भला किसी का नहीं करा, आड़े का रास्ता दे दो कोई मामला ही नहीं, गांव आड़ा की हाँ भरी उन्होंने कि रोड इसके एयरपोर्ट के सारा सारा बाउंड्री के सारा सारा रास्ता देंगे, पर सरकारी जमीन है ये चाहे प्राइवेट जमीन में देना, ताकि जमीन के दोनों साइड जो रोड लग गए खरीद रखी है भाई, अन्य तो नक्शा बना रखे झड़े का रोड देना है, मोटा खेल है, बड़ा चोर उचक्का काम है, और इन्हें तो बांस दिए कई गांव बर्बाद कर दिए, अब भाई साहब तलवंडी वाले बर्बाद करने लगे तलवंडी को, नहीं तो धरना के मतलब क्या मतलब बनता है? धरना तो किसान ने स्टार्ट कर दिया था आज। राठी साहब एक क्वेश्चन हो रहा है, इस सरकार के अंदर ऐसा आपकी नज़र में कोई वर्ग है जो रोड पे नहीं बैठा हो? आज कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन की बहाली को लेके बैठे हैं, कच्चे कर्मचारी पक्के उन खातर बैठे हैं, जो कर्मचारी हटा दिए ड्राइंग मास्टर जैसे वो सड़का में बैठे हैं, मजदूर नरेगा खातर सड़का में बैठे हैं, किसान भाव खातर सड़का में बैठे हैं, व्यापारी जो हैं वो धंधे नहीं है उनके पास वो सड़क में बैठे हैं, हर आदमी आम आदमी आज सड़क पर है, क्योंकि हर आम आदमी सड़क के ऊपर है, तो या फिर जीतन कुकर लग रही बार बार है कहीं ना कहीं, तो अब की बार जो है अब की बार गंडा बंद है इनका, अब तक तो ये जो है
भाई गोली दे के जीत गए थे, लेकिन अब की बार लोगों ने बेरा पट गया। 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर, अब की बार जनता ने बेरा पट गया। इलाज बंद आएंगे पक्का 100% नोट कर लीजिए मेरी बताई आज के दिन बाद। दोस्तों आप सबने मनोज राठी के विचार सुने, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।